हेलो फ्रेंड्स, सो मेरे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। टॉपिक का नाम है ड्रग यूजफुल इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। इसका इंट्रोडक्शन है, फिश अपने नेचुरल एरिया में ब्रीड करती हैं जहां से इसके सीड्स कलेक्ट किए जाते हैं। इनके सीड्स पॉन्ड्स रिवर्स से जनरली कलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें बेनिफिशियल तथा हार्मफुल बत के एग मिक्स होते हैं। यदि ये सीड से एक फिशरमैन के द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उनका प्रोडक्शन रेट ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनके सीड्स में कार्निवोरस तथा प्रेडेटरी नेचर की फिशेस के सीड्स मिक्सड होते हैं। इसलिए फिशरमैन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू हाई यील्ड को ऑब्टेन कर सकता है। इसका डेफिनेशन है, ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा राइप फिशेस को पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा ब्रीडिंग या एग एंड स्पर्म रिलीज के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है आर्टिफिशियल स्ट्रिपिंग मेथड। कार्प की कोर्टेन स्पीसीज से जैसे ब्लैक कार्प, ग्रीन कार्प एंड मड कार्प को स्ट्रिपिंग मेथड के द्वारा आर्टिफिशियली फर्टिलाइज्ड किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले फीमेल की बॉडी से जेंटली टैपिंग के द्वारा एग को रिलीज किया जाता है। सिमिलर प्रोसेस मेल के साथ अप्लाई की जाती है। जब उनके स्पर्म तथा मिल्ट रिलीज हो जाती हैं तो उसे एग फिलेड पेट्रीडिश में मिक्स कर दिया जाता है तथा लगभग हाफ ऑन होल के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके, इसे भी टू मेथड के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। स्ट्रिपिंग मेथड इस टाइप से होती है, इसमें टू मेथड को अप्लाई किया जाता है। एक होती है ड्राई मेथड और एक होती है वेट मेथड। ड्राई मेथड, इसमें स्ट्रिपिंग द्वारा रिलीज एग एंड स्पर्म को पेट्री डिश में थोड़ी मिक्स करके 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें एग फर्टिलाइज्ड होकर जायगोट की फॉर्मेशंस करते हैं। वेट मेथड, इसमें बोथ एग एंड स्पर्म को वाटर फील्ड पेट्रीडिश में रखा जाता है। इसका यूज स्ट्रिक्टली एग के लिए किया जाता है। इसे भी लगभग 30 मिनट के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनेट न हो और फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग हप्पा में या हैचिंग पीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग आर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बाय हाइपोफिजेशन। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिप फिश ब्रीडर्स या यूनिरिप फिशेस को रिस्पेक्टिवली गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए या आउटसाइड स्पेविंग के लिए आज वेल एज द मैचुरेशंस के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। यदि ये स्टिमुलेशंस गोनाड मैचुरेशंस हार्मोन्स के इंजेक्शंस द्वारा किया जाता है, इस इंजरेशंस में दिए गए इंजेक्शंस के पिट्यूटरी हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट या यूज किया जाता है तो उसे हाइपोफिजेशंस कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ब्रीडिंग टेक्निक। इंड्यूस्ड फिश ब्रीडिंग मानसून सीजन्स में एडॉप्ट की जाती है, क्योंकि फिश फ्रीली रिप होती हैं। ब्रीडर्स को लार्जर पॉन्ड से नेट की हेल्प द्वारा स्मॉलर पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद इन्हें सूटेबल क्वांटिटी को हाइपोडर्मिक डोज देकर ब्रीडिंग मेशेड मॉस्किटो नेट क्लैट का बना होता है, जिसे बैम्बो पोल की हेल्प से फिक्स कर दिया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड एग को आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि एक ट्रांसपेरेंट पर्ल लाइक दिखाई देते हैं तो वह फर्टिलाइज्ड, और यदि एपिक्यू वाइटिश दिखाई देते हैं तो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसके बाद फर्टिलाइज्ड
एग को रनिंग पूल में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हैचिंग हो जाती है तो इन्हें सूटेबल फूड प्रोवाइड किया जाता है। जब फिंगर के बराबर हो जाते हैं तो इन्हें फिंगरलिंग कहते हैं तथा इन्हें नर्सरी राउंड के ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर इन्हें फ्यूचर ग्रोथ तथा डेवलपमेंट की असेंटियल थिंक प्रोवाइड कराई जाती हैं, जहाँ पर यह एडल्ट मेल तथा फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन्हें फ्यूचर आर्टिफिशियल पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चाइना में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए मॉडर्न पैटर्न का यूज़ केवल मेजोर कार्प को कल्चर करने के लिए किया जाता है, जिससे अब इंडिया में भी एडॉप्ट किया गया है। 6.8 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को सर्वाइवल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फेवरेबल क्लाइमेटिक तथा हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के चेंजेस को इंक्रीज करती हैं। कूल वेदर तथा रेनिंग पेरियड ब्रीडिंग को इन्हेंस कर देते हैं। मेजोर कार्प के लिए फ्लोविंग वाटर मोस्ट प्रेफर होता है। लाइटनिंग तथा हैवी रे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए आइडियल होती है।